आईपीएल 2020 के क्वालिफायर्स राउंड के पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। मुंबई इंडियंस पहले बैटिंग करते हुए पहली ओवर के पहली गेंद पर क्विंटन डिकॉक फुल अराउंड ऑफ गेंद को लॉन्ग ऑन के दिशा में जबरदस्त चौका लगाए, मुंबई इंडियंस का पहला चौका। और चौथी गेंद पर डिकॉक ने फिर एक बार स्क्वायर लेग की दिशा में एक और चौका लगाया। अगले गेंद में भी क्विंटन डिकॉक फुल ऑन ऑफ गेंद को बॉलर के लेफ्ट साइड से लॉन्ग ऑन की दिशा में चौका लगाए। दूसरी ओवर की तीसरी गेंद पर मुंबई इंडियंस का पहला झटका, रोहित शर्मा गेंद को डिफेंड करने की कोशिश किए लेकिन गेंद बल्ले के पीछे से पैड में लग गई और वे LBW के रूप में आउट हो गए। रविचंद्रन अश्विन का पहला विकेट। उसी ओवर की पांचवी गेंद पर क्विंटन डिकॉक फ्लैटर ऑन ऑफ गेंद को स्ट्रोक करते हुए कवर और कवर पॉइंट के बीच से बाउंड्री लगाए। तीसरी ओवर की पांचवी गेंद पर क्विंटन डिकॉक स्लो लोअर ऑन ऑफ गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में बाउंड्री मारे। चौथी ओवर की तीसरी गेंद पर डिकॉक फुल एंड अराउंड ऑफ गेंद को बहुत ही ऊंचा और जबरदस्त लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का लगाए, मुंबई इंडियंस का पहला छक्का। पांचवी ओवर की तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव फुलिश एंड अराउंड ऑफ गेंद को शॉर्ट मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच की खाई में बाउंड्री लगाए। अगले गेंद में भी सूर्य कुमार यादव शॉर्टर अराउंड ऑफ गेंद को मिड विकेट की दिशा में एक और चौका लगाए। छठी ओवर की चौथी गेंद पर सूर्य कुमार यादव फुल ऑन ऑफ गेंद को बहुत ही खूबसूरती से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ग्लोरियस छक्का लगाए। उसी ओवर की आखिरी गेंद में भी सूर्य कुमार यादव शॉर्टर एंड आउटसाइड ऑफ गेंद को कवर क्षेत्र में चौका लगाए। इसीलिए तीन बिंदुओं के बावजूद मुंबई के लिए एक शानदार पावर प्ले के अंत और अंत से 11 और वे इसके बाद एक विकेट के नुकसान पर 63 रन बनाए। सातवें ओवर की चौथी गेंद तक क्विंटन डिकॉक और सूर्य कुमार यादव के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी हुई। अगले गेंद में सूर्य कुमार यादव फुलिश एंड आउटसाइड ऑफ गेंद को शॉर्ट थर्ड मैन और बैक पॉइंट के बीच की दिशा में चौका लगाए। आठवीं ओवर की दूसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव फ्लोटेड अराउंड ऑफ गेंद को स्लॉग स्वीप करते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का लगाए। उसी ओवर की चौथी गेंद पर क्विंटन डिकॉक टॉस अप अराउंड ऑफ गेंद को लॉफ्ट करते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मारे लेकिन शिखर धवन गेंद को कंफर्टेबली कैच लेकर आउट किए, रविचंद्रन अश्विन का दूसरा विकेट। नवी ओवर की पांचवी गेंद पर सूर्य कुमार यादव शॉर्ट गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में हैंडसमली चौका लगाए। बारहवीं ओवर की तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव फुल ऑन ऑफ गेंद को मिड विकेट फील्डर की दिशा में चौका लगाए। इसी के साथ टीम का स्कोर 100 पूरा हुआ एवं सूर्य कुमार यादव का अर्धशतक भी पूरा हुआ। लेकिन उसी ओवर की पांचवी गेंद पर सूर्य कुमार यादव शॉर्टर अराउंड ऑफ गेंद को पुल किए और डेनियल सैम्स को कैच देकर आउट हो गए, एनरिच नॉट्स का पहला विकेट। 13वां ओवर की दूसरी गेंद पर पोलार्ड फ्लोटेड ऑन मिडिल गेंद को लेग साइड के ऊपर से मारने की कोशिश किए लेकिन केगिसो रबाड़ा ने शानदार कैच लेकर उन्हें आउट किया, रविचंद्रन अश्विन का तीसरा विकेट। 15 ओवर की चौथी गेंद पर ईशान किशन शॉर्ट गेंद को पुल करते हुए मिड विकेट की दिशा में चौका लगाए जबकि सैम्स दौड़कर गेंद को रोकने की पूरी कोशिश किए लेकिन विफल रहे। अगले गेंद में ईशान किशन शॉर्ट अराउंड ऑफ गेंद को पुल करके डीप फाइन लेग के ऊपर से छक्का लगाए। 16 ओवर की दूसरी गेंद पर ईशान किशन लो फुल टॉस ऑन ऑफ गेंद को मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच की दिशा में चौका लगाए। उसी ओवर की चौथी गेंद पर कृणाल पांड्या शॉर्ट गेंद को फाइन लेग के ऊपर से पुल करते हुए छक्का लगाए और आखिरी गेंद में भी ईशान किशन शॉर्टर आउटसाइड ऑफ गेंद को थर्ड मैन की दिशा में चौका लगाए। 17 ओवर की पहली गेंद पर कृणाल पांड्या शॉर्टेस्ट आउटसाइड ऑफ गेंद को डीप पॉइंट के ऊपर से स्लॉग करते हुए भारी शॉट मारे लेकिन डैनियल डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में कैच लेकर आउट करे, स्टॉइनिस का पहला विकेट। 18 ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या लो फुल टॉस ऑन ऑफ गेंद को फ्लिक करते हुए फाइन लेग के ऊपर से भारी छक्का लगाए। इसी के साथ टीम स्कोर 150 पूरा हुआ। उसी ओवर की आखिरी गेंद पर ईशान किशन गुड लेंथ आउटसाइड ऑफ गेंद को
मिड विकेट के ऊपर से हाथ को स्ट्रेच करते हुए जबरदस्त छक्का लगाए। 19 ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या फुल एंड अराउंड ऑफ गेंद को मिड विकेट के फील्डर के ऊपर से भारी छक्का लगाए। अगले गेंद में भी हार्दिक पांड्या फुलिश एंड अराउंड ऑफ गेंद को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और छक्का लगाए। और उसी ओवर के तीसरी गेंद में ईशन किशन लो फुल टॉस गेंद को स्क्वीज करते हुए कवर और मिड ऑफ के बीच की दिशा में चौका लगाए। आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या आउटसाइड ऑफ गेंद को वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का लगाए। और अगले गेंद में भी हार्दिक पांड्या फुल टॉस आउटसाइड ऑफ गेंद को लॉफ्ट करते हुए वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का लगाए। इसी के साथ हार्दिक पांड्या और ईशन किशन के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी हुई। आखिरी गेंद में ईशन किशन फुल टॉस आउटसाइड ऑफ गेंद को डीप कवर के क्षेत्र में ऊपर से छक्का लगाए। इसी के साथ उनका अर्धशतक पूरा हुआ। मुंबई इंडियंस 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 200 रन बनाए। मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों में क्विंटन डिकॉक शानदार खेल दिखाते हुए 25 गेंदों में 5 चौके और 1 छक्के की मदद से 40 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव जबरदस्त प्रदर्शन दिखाते हुए 38 गेंदों में 6 चौके और 2 छक्के की मदद से 51 रन बनाए। वही ईशन किशन अजय रहकर बढ़िया खेल दिखाते हुए 30 गेंदों में 4 चौके और 3 छक्के की मदद से 55 रन बनाए। और हार्दिक पांड्या भी अजय रहकर 14 गेंदों में 5 भारी छक्के की मदद से 37 रन बनाकर बहुत शानदार खेल दिखाए। दूसरी ओर दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों में रविचंद्रन अश्विन 4 ओवर में 29 रन देकर 7.25 इकोनॉमी रेट के साथ 3 विकेट लेकर जबरदस्त प्रदर्शन दिखाए। और रबाड़ा 4 ओवर में 10.50 इकोनॉमी रेट के साथ 42 रन देकर निराशाजनक प्रदर्शन दिखाए। पहली ओवर की दूसरी गेंद पर पृथ्वी शाह लॉन्ग अराउंड ऑफ गेंद को डिफेंड करे, लेकिन गेंद आउटसाइड एज होकर क्विंटन डिकॉक को हाथ में चली गई और वे आउट हो गए। ट्रेंट बोल्ट का पहला विकेट। उसी ओवर की पांचवी गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने गुड लेंथ इन स्विंग गेंद को डिफेंड करने गए, लेकिन मिस होकर पैड में लगकर LBW के रूप में आउट हो गए। बोल्ट के लिए दूसरा विकेट। दूसरी ओवर की दूसरी गेंद पर शिखर धवन फुल टॉस गेंद को डिफेंड करने की कोशिश किए, लेकिन गेंद बल्ले को पीछे छोड़ते हुए मिडिल स्टंप को लग गई और वे आउट हो गए। बुमराह के लिए पहला विकेट। उसी ओवर की पांचवी गेंद पर स्टॉइनिस फुल लेंथ गेंद को फ्लिक करते हुए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग में बाउंड्री लगाए। तीसरी ओवर की चौथी गेंद पर श्रेयस अय्यर फुल हैंड इन स्विंग गेंद को मिड ऑन के ऊपर से चौका लगाए। अगले गेंद में भी श्रेयस अय्यर शॉर्टिश गेंद को डीप पॉइंट के ऊपर से एक और चौका लगाए। श्रेयस अय्यर के लिए बैक टू बैक बाउंड्रीज। चौथी ओवर की चौथी गेंद पर श्रेयस अय्यर फुल एंड आउटसाइड ऑफ गेंद को ब्यूटीफुल ड्राइव करते हुए कवर पॉइंट की दिशा में बाउंड्री लगाए, लेकिन अगले गेंद पर श्रेयस अय्यर फुलिश एंड आउटसाइड ऑफ गेंद को कवर फील्डर के ऊपर से मारने का प्रयास किए, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा को कैच देकर आउट हो गए। बुमराह के लिए दूसरा विकेट। पांचवी ओवर की चौथी गेंद पर स्टॉइनिस फुल एंड अराउंड ऑफ गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से चौका लगाए। और पावर प्ले के आखिरी गेंद पर स्टॉइनिस फुल एंड अराउंड ऑफ गेंद को गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक और चौका लगाए। इसी के साथ पावर प्ले खत्म होने तक दिल्ली 4 विकेट के नुकसान पर 32 रन बनाए। आठवीं ओवर की पांचवी गेंद पर ऋषभ पंत स्लो अराउंड ऑफ गेंद को वाइड लॉन्ग ऑन के दिशा में स्लॉग स्वीप करते हुए सूर्य कुमार यादव को बाउंड्री के पास कैच देकर आउट हो गए। कृणाल पांड्या का पहला विकेट। नवी ओवर की दूसरी गेंद पर स्टॉइनिस शॉर्ट गेंद को वाइड विकेट के ऊपर से फुल शॉट मारकर चौका लगाए। अगले गेंद पर स्टॉइनिस फ्लोटेड आउटसाइड ऑफ गेंद को वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से भारी छक्का लगाए। उसी ओवर की आखिरी गेंद पर स्टॉइनिस फुल एंड आउटसाइड ऑफ गेंद को डीप कवर के ऊपर से छक्का लगाए। 12वीं ओवर की तीसरी गेंद पर स्टॉइनिस फुल एंड आउटसाइड ऑफ गेंद को थर्ड मैन के दिशा में चौका लगाए और अगले गेंद पर सिंगल लेते हुए अपना अर्धशतक पूरा किए। यह उनके लिए चौथा अर्धशतक है। 13वां ओवर की पहली गेंद पर स्टॉइनिस शॉर्ट गेंद को वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से पुल शॉट मारते हुए छक्का लगाए।
अगले गेंद पर भी स्टॉइनिस शॉर्ट एंड वाइड आउटसाइड ऑफ गेंद को पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट के माध्यम से चौका लगाए। उसी ओवर की चौथी गेंद पर अक्षर पटेल फुल एंड अराउंड ऑफ गेंद को वाइड मिड विकेट की दिशा में बाउंड्री लगाए। चौथा ओवर की पहली गेंद पर अक्षर पटेल फुल एंड अराउंड ऑफ गेंद को मिड ऑफ की दिशा में एक और चौका लगाए। 15 ओवर की दूसरी गेंद पर अक्षर पटेल फुलर एंड अराउंड ऑफ गेंद को मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाए। उसी ओवर की चौथी गेंद पर अक्षर पटेल फुल एंड आउटसाइड ऑफ गेंद को गेंदबाज के सिर के ऊपर से भारी छक्का लगाए। 16 ओवर की पहली गेंद पर जसप्रीत बुमराह स्टॉइनिस को क्लीन बोल्ड करके आउट कर दिए और साथ ही साझेदारी को ब्रेक करे बुमराह के लिए तीसरा विकेट। उसी ओवर की तीसरी गेंद में बुमराह के शॉर्ट गेंद पर डैनियल सैम्स कीपर डीकॉक को कैच देकर आउट हो गए बुमराह के लिए चौथा विकेट। 19 ओवर की दूसरी गेंद पर अक्षर पटेल शॉर्ट गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाए। आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर रबाड़ा शॉर्ट गेंद को पुल करते हुए डीप स्क्वायर लेग की दिशा में चौका लगाए। अगली गेंद पर रबाड़ा फुल आउटसाइड ऑफ गेंद को गेंदबाज के सिर के ऊपर से चौका लगाए और आखिरी ओवर की पांचवी गेंद पर अक्षर पटेल पोलार्ड के बॉलिंग में राहुल चाहर को कैच देकर आउट हुए पोलार्ड के लिए पहला विकेट। इसी के साथ मुंबई इंडियंस 57 रनों से जीत हासिल करे और इस जीत के साथ आईपीएल 2020 के फाइनल में पहुंच गए। दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों में स्टॉइनिस बहुत शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए 46 गेंदों में 6 चौके और 3 छक्के की मदद से 65 रन बनाए और अक्षर पटेल 33 गेंदों में 2 चौके और 3 छक्के की मदद से 42 रन बनाकर बढ़िया खेल दिखाए। दूसरी ओर मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों में ट्रेंट बोल्ट बहुत ही शानदार खेल दिखाते हुए 2 ओवर में 1 मेड इन और 4.50 इकोनॉमी रेट के साथ 9 रन देकर 2 विकेट लिए और जसप्रीत बुमराह भी 4 ओवर में 1 मेड इन और 3.50 इकोनॉमी रेट के साथ 14 रन देकर 4 विकेट लेकर जबरदस्त प्रदर्शन दिखाए।